अभी हम लोग मंडोर के पीछे स्थित पंचकुंडा में हैं। पंचकुंडा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के वक्त में 5 कुंड थे यहाँ पर, हालांकि अब तो वो कुंड कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो जगह है ये जोधपुर के राजाओं के महारानियों की दाह संस्कार स्थल है जो पंचकुंडा में हम लोग हैं। तो यहाँ पीछे जो छतरियाँ हैं इसमें ज़्यादातर जो छतरियाँ हैं वो रानियों महारानियों राजकुमारियों की छतरियाँ हैं। इसमें उन रानियों के देवलोक होने के बाद में इस जगह पर उनको जलाया गया और उनकी स्मृति में इस तरह की छतरियाँ बनती थी। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी छतरियाँ हैं, जैसे सामने जो छतरी आप देख रहे हैं ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी की पटरानी थी कछवाई जी, उनकी छतरी है, जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह जी की महारानी थी। दूसरी जितनी भी रानियां हैं इन भव्य छतरियों को देखकर ऐसा पता चलता है उनकी क्या हैसियत रही होगी। दूसरी चीज़, कई जो छतरियां हैं वो उनके परिवार की दूसरी जो महिलाएं राज परिवार में शादी हुई है उन्होंने बनवाई है। जैसे सामने एक बहुत ही भव्य छतरी है उस तरफ, इसी के टक्कर की छतरी है, वो छतरी जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी की एक महारानी थी जिनका नाम था जस कंवर, जो कि नागौर के स्थित गोठड़ा ठिकाने के ठाकुर मोहब्बत सिंह जी की पुत्री थी। और उनके बारे में एक किस्सा है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी जब जालौर किले में कैद थे तो ठाकुर मोहब्बत सिंह जी जैसलमेर के केरू गाँव के जागीरदार थे और वो वहाँ पहुँचे और जब महाराजा मान सिंह जी की बहुत ही दयनीय हालत देखी वहाँ पर और बहुत ही उनको पैसों की ज़रूरत थी और कंगाली हालत में थे, ऐसे टाइम में उन्होंने अपने ठिकाने में जाकर उस ज़माने में 500 रुपये देकर के महाराजा मान सिंह जी की मदद करी। बाद में जब वो जोधपुर के महाराजा बने तो उनके ऊपर एहसान था कि एक छोटा सा जागीरदार जिन्होंने उस वक्त में मेरी मदद करी थी, और उन्होंने फिर उनकी लड़की जो है जस कंवर से शादी करी, वो जोधपुर की महारानी बनी। तो जस कंवर जो है वो एक ऐसी महारानी थी जिन्होंने जोधपुर शहर के अंदर एक पांचवा माजी का मंदिर भी बनवाया, क्योंकि वो पांचवी महारानी थी उनकी, और उन्होंने एक बहुत ही भव्य बावड़ी भी बनवाई जो पांचवा माजी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। उनकी एक सगी भतीजी थी जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी की महारानी थी, नाम था इंद्र कंवर। अब वृद्धावस्था में वो महारानी जस कंवर जब थी माजी थी पति के देवलोक होने के पश्चात, तो उनकी भतीजी जब उनसे मिलने के लिए गई तो भतीजी ने अपनी बुआ जस कंवर को पूछा कि बुआ सा आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे मरने के पश्चात में जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी यानी मेरे पतिदेव जो है उनकी पटरानी इस तरफ जो छतरी है जिनकी, तो पटरानी की जैसी छतरी बनी हुई है मेरे मरने के बाद मेरी स्मृति में इसी तरह की छतरी बनवाई जाए। तो उन्होंने इसी तरह की एक छतरी बनवाई जो सामने आप देख रहे हैं। उस वक्त उनकी एक अन्य जो रानी है वो बिकम खोर की थी, वो पास में थी, और उनका ये जवाब था कि आपकी भतीजी जोधपुर की महारानी है तो बनवा सकती है, मेरे पीछे तो कोई है नहीं, मेरे पीछे कौन छतरी बनवाए। तो उन्होंने कहा आप भी बाटी सतरानी हैं तो मैं आपकी याद में भी बनवाऊँगी। तो बड़ी छतरी जो उन्होंने अपनी बुआ की याद में बनवाई और छोटी जो इस तरफ छतरी आप देख रहे हैं वो बिकम खोर की उस रानी के पीछे बनवाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि रानियों की भतीजियों की शादियां अगर राज परिवार में हुई है तो उनके पीछे भी इस तरह के स्मारक और छतरियां उनकी भतीजियों के द्वारा बनवाई गई है। हमारे पास में मेहरानगढ़ में महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश जिसके निदेशक महेंद्र सिंह जी तंवर है, उन्होंने कई बहियाँ हमको बताई है जो कम ठारी एक पूरी सीरीज है, और उन रानियों के पीछे जो छतरियाँ बनी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के उन छतरियों में कितनी लागत आई है, कहाँ से पत्थर आया है, कितनी उनको मजदूरी दी है, कितने ब्राह्मणों को खाना खिलाया, सीख सरोपाओं दी, और जिन्होंने बनाया है वो गजदर जो है उनको उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट जो है लिस्टेड है, प्रमाण मिलते हैं। तो ये पंचकुंडा जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत छतरियों का जो छतरियों की एक सीरीज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो बहुत ही कलात्मक रानियों के स्मारक के रूप में विद्यमान है। इसमें पूरी विगत लिखी हुई है कि जिस रानी की स्मृति में ये छतरी बनी है वो रानी कौन थी, किसकी पुत्री थी, कौन से सम्मत में ये बनी हुई है, और कितना पैसा लगा है, कब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है,
ये सारी की सारी डिटेल जो है इनमें लिखी हुई मिलती है जो आप देख रहे हैं। इन कुछ छतरियों को अगर अपन देखें तो इन छतरियों के अंदर भी अंदर की तरफ भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, छतरियों के अंदर बहुत खूबसूरत नक्काशी है जिसमें फूल पत्तियों की जो आकर्षक डिज़ाइन है वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरी जो जगह आप देख रहे हैं ये यहाँ करीब 55 के करीब छतरियाँ हैं। तो कुछ टाइम पहले तक ये छतरियाँ पंचकुंडा का जो ये जगह है ये सरकारी हाथों में था, तो दुर्भाग्य से लोग कुछ समझते नहीं थे इसलिए इस जगह जगह जो है खंडित कर दिया, लोगों ने कहीं उतार कर ले गए। सरकार के पास भी इतना बजट नहीं होता कि इनकी सार संभाल की जा सके, लेकिन पिछली जो वसुंधरा जो सरकार थी उस सब सरकार के टाइम में इन सब छतरियों को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट को दे दिया, मंडोर गार्डन के देवल और पंचकुंडा की छतरियाँ, जिस वजह से अभी जो है बहुत ही जहाँ जहाँ डैमेज दिख रहा है उसके रख रखाव के लिए मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट उसी पारंपरिक तरीके से चूने के अंदर लाल रंग का कलर मिला करके और अगर कहीं टीप करनी है तो भी उस तरीके से ही वापस रेस्टोरेशन किया जा रहा है। पत्थर भी उस पीरियड में यानी 18 सेंचुरी में किस तरह की छतरियों में कौन सा पत्थर काम में लिया गया है उसी तरह का पत्थर वापस इसके रेस्टोरेशन में काम में लिया जा रहा है। तो आप देखेंगे इन छतरियों में कुछ हाल ही में रिपेयर हुआ है। तो ये सारी छतरियों की पूरी सीरीज है जो लगभग 55 के करीब छतरियाँ हैं। उस तरफ छतरियाँ महाराजा तख्त सिंह जी की कुछ रानियों की है, तो ये महाराजा मान सिंह जी की पटरानी की छतरी है। तो उस तरफ कुछ राजाओं की भी छतरियाँ हैं, यानी एक देवल है जो रावजोधा जी के पूर्व के कुछ शासकों के यहाँ मिलते हैं, क्योंकि मंडोर में तो उस वक्त उनका राज था तो शमशान के रूप में पंचकुंडा ही था। तो कुछ राजाओं के भी स्मारक है यहाँ जो अभी ये आप देख रहे हैं जो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निर्देशन में यहाँ पर ये है।